ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो लोग बागेश्वर बाबा को लेकर लंबी लंबी बयानबाजी कर रहे हैं और बागेश्वर को नफरत फैलाने वाला बताकर जेल भेजने की बात कर रहे हैं, यह लोग तब कहां रहते हैं जब मोहन भागवत, प्रवीण तोगड़िया और अमित शाह बिहार आकर नफरत फैलाते हैं, उस समय कहां गायब हो जाते हैं? ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं करते, जेल क्यों नहीं भेजते? जिस समय अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरतियों को घर घर घुसा दिया, स्टेज पर जगा दिया, शादी समारोह के साथ साथ रहे, उस समय देश और राज्य की में शांति का माहौल रहे, ध्यान क्यों नहीं था? नजरे आलम ने आगे कहा कि चूंकि 2024-25 का चुनाव करीब है और एक विशेष समुदाय का थोक वोट चाहिए, तो कुछ पार्टी और नेताओं के द्वारा अडवाणी की तरह बागेश्वर को जेल में डाल देंगे, बिहार में नफरत नहीं फैलाने देंगे का ढोंग शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक बात तो उन पार्टी और नेताओं को समझ लेना चाहिए कि अडवाणी के रथ रोकने के लिए न तो किसी खास समुदाय के लोगों ने कहा था और न बागेश्वर को रोकने के लिए कहा जा रहा है। जिस बागेश्वर को रोककर या उसके खिलाफ बोलकर राजनीतिक फायदा उठाना है वह खुशफहमी में न रहे। जिस समुदाय के थोक वोट पर निगाह है और बागेश्वर के बहाने वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो समझ लें जमाना बदल चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं। अडवाणी के रथ के चक्कर में जिस तरह से 15 सालों तक एक विशेष समुदाय का थोक वोट लिया और शोषण किया, वो अब नहीं चलने वाला है। देखिए, बागेश्वर बाबा आए या जो भी बाबा आए, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा सवाल ये है उस पार्टी से, उस नेता से, कि जो आज बागेश्वर बाबा के आने पर चिंता जता रहे हैं, जेल भेजने की बात कर रहे हैं, बिहार में नफरत नहीं फैलाने देने की बात कर रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ होते हैं जब इसी बिहार में मोहन भागवत आते हैं, प्रवीण तोगड़िया आते हैं, अमित शाह आकर के नफरत फैलाते हैं, उस वक्त ये लोग कहाँ होते हैं? उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उस वक्त जेल भेजने की बात क्यों नहीं करते हैं? कहाँ रहते हैं ये लोग? किस बिल में छिपे रहते हैं? आज उन्हें ये लगने लगा है कि 2024 और 2025 का चुनाव करीब है, तो मुझे जिस समुदाय का थोक में वोट मिलता था, अब उस वोट पे इनकी निगाह है। जिस तरह से इन्होंने अडवाणी के रथ यात्रा को रोक करके 15 सालों तक जिस समुदाय का थोक में वोट लिया और उसका शोषण किया, ठीक उसी तरह ये फिर से एक बार बागेश्वर बाबा के नाम पर, उनको रोकने के नाम पर, उनको जेल भेजने के नाम पर ये चाह रहे हैं कि उस समुदाय का थोक वोट मिले। तो मैं उस पार्टी को और उस नेताओं को बताना चाहता हूं कि अब वो समय नहीं है। अब लोग जान चुके हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से आपने मुसलमानों से दूरी बनाया है, किस तरह से उस समुदाय का शोषण किया है, किस तरह से उसका वोट लेकर के और उसको सियासत से दूर किया है। लोग सारे खेल को समझ चुके हैं, सारे ड्रामा को समझ चुके हैं। न अडवाणी के रथ को रोकने से उस समुदाय का कोई भला हुआ, न बागेश्वर बाबा को रोकने से उस समुदाय का कोई भला होगा, और न उस समुदाय ने कभी आपकी पार्टी, आपके नेता को कहा कि आप अडवाणी को रोको तो आप बागेश्वर बाबा को रोको। हमें क्या लेना देना, बागेश्वर बाबा आए कि अडवाणी आए, जो भी आए, लेकिन मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जिनको वोट की सियासत करनी है, जिसको सत्ता हासिल करनी है, उनसे मेरा सवाल है कि आप जब मोहन भागवत, अमित शाह, तोगरिया करके नफरत फैलाते हैं, बजरंग दल के गुंडे नफरत फैलाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे नफरत फैलाते हैं, उस वक्त तुम उसे जेल में क्यों नहीं डालते? उस वक्त तुम बिहार के अमन अमान की बात क्यों नहीं करते? ये सब ढोंग बंद करो और जो जिस समुदाय को तुम